हेलो एवरीवन, आई एम अनामिका. सो वेलकम बैक टू माय चैनल. क्या आप लोगों को भी समझ में नहीं आता है टोनर अप्लाई करना है या फिर फेस मिस्ट? सो हियर आई एम विल गिव यू सम क्लैरिटी अबाउट दिस. लेट्स बिगिन. यहाँ पर मैंने न्यूट्रोजेना का टोनर ले लिया है और ये डीप क्लिनजिंग टोनर है. ये ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है. तो टोनर बेसिकली क्या करता है, हमारी स्किन को एक इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, पोर्स को टाइटन अप करता है, स्किन को स्मूथ सफल रखता है, अंदर से मॉइस्चराइज करता है और कोई भी ब्लैक स्पॉट्स होने नहीं देता है. एक्ने मार्क्स रहा, ब्लैक हेड्स, ये भी न्यूट्रोजेना का ये टोनर रिमूव कर देता है. तो अब बात करते हैं पिक्सी का फेस मिस्ट. रोज फेस मिस्ट है ये. इसको आप एज अ टोनर भी यूज कर सकते हो. ये भी आपके स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, पोर्स को टाइटन अप करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, अंदर से मॉइस्चराइज कर देता है. इसका और एक खास बात है, इसको आप एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई किया है, कंसीलर अप्लाई करके टी जोन को हाईलाइट किया है, ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. ये टाइम पे अगर आपको लगा कि आपकी स्किन थोड़ा सा ऑयली हो रहे हैं, स्वेट आ रहे हैं या फिर ड्राई हो रहे हैं, जैसे कि मेरा स्किन ऑयली है तो स्वेट आ रहे हैं, तो इस टाइम पे मैं ये फेस मिस्ट को अप्लाई करूँगी ताकि मेरा जो मेकअप है वो जगह की जगह बना रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, मेकअप केकी ना दिखे, बहुत ही स्मूथ और सफल दिखे, जैसा कि हम लोग सब चाहते हैं. इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई किया है और अभी मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है. आप खुद देख सकते हो कितना सफल स्मूथ सा मेकअप मेरा बेस लग रहा है. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर रहा है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.